भी एक हिंदू संत 82 साल के संत आसाराम जी बापू को 25 तारीख को एक फैसला सुनाया गया, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो कानून का कार्य है और हम समझते हैं कि इस संसार की कोर्ट को भी बनाने वाला कोई इंसान है, यहाँ बैठने वाला भी कोई इंसान है और जो फैसला सुनाता है वो भी एक इंसान है, और इंसान से गलती होना लाजमी है। तो हो सकता है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि फैसला गलत है या सही है, उसे कहने वाला मैं तो कौन होता हूँ, लेकिन हम ये मानते हैं कि धरती की अदालत से भी उस ऊपर वाले की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और वहाँ जो फैसला होता है वो बिल्कुल सही फैसला होता है। सबसे बड़ी बात उसका एक संकेत मैं आपको बताऊं, वो ये कि आसाराम जी बापू को फैसला मिला उसके बाद जो एग्जिस्टेंस है, जिसको हम अपने यहाँ की भाषा में, शास्त्र की भाषा में अस्तित्व कहते हैं, उस अस्तित्व ने देखा और उसी अस्तित्व को लोग जीने वाले लोग हैं, उन लोग जो उसमें विश्वास रखते हैं, उन लोगों की प्रतिक्रियाएं आई और वे सारी की सारी प्रतिक्रियाएं ऐसी आई है जिसमें कानून पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है। और लेकिन आसाराम बापू उनकी नज़रों में पहले भी पाक साफ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। एक दूसरा सवाल, एक दूसरा पक्ष जो है वो ये कि क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को बदनाम कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, तो उससे जिसको जो फ़ायदा हुआ है उसके फ़ायदे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखिए ना, मुझे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं तो आसाराम बापू का शिष्य नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनके शिष्य कई मिलते हैं, उनके साधक मिलते हैं, और मैंने भी आसाराम बापू के कुछ साहित्य को पढ़ा है, उससे मैंने भी अपने जीवन में मार्गदर्शन पाया है, और ऐसे जो लोग आसाराम बापू के संपर्क में आए उन लोगों का अनुभव भी मैंने सुना है, तो उन लोगों ने हमेशा ये कहा है कि बापू की वजह से हमारी ज़िंदगी बदली है और हमको उन्होंने ही सुधारा है। तो आप जानते हैं गायत्री परिवार के श्रीराम शर्मा आचार्य, उनका एक स्लोगन है और उनका स्लोगन बहुत चलता है, मुझे अच्छा भी लगता है, एक स्लोगन में सारी बात आ जाती है। वो कहते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, मतलब किसी और को बदलने से पहले हम जब बदलते हैं तब उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। आज इतने करोड़ों करोड़ों साधक अगर बदले हैं तो ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई ऐसे ही नहीं है, बल्कि आसाराम बापू ने स्वयं ने अपने जीवन को सोना बना के दिखाया है, तब उनके साधक भी चमकते हैं और जीवन को आज बदलाव के राह पर है। तो मैं तो उसमें विश्वास रखता हूँ, और बाकी तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि धर्म जगत में विश्वास रखने वाला हूँ, तर्क से मानते हैं तो तर्क की बात मैंने की, लेकिन धर्म जगत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, श्रद्धा जगत का व्यक्ति हूँ, इसलिए ये मानता हूँ कि इतने बड़े महापुरुष के द्वारा इतना बड़ा अपराध, ये कोई गले तो नहीं उतरता है, लेकिन संत की ये कोई लीला होगी कि जेल में जाने के बाद भी वे कुछ अपने लीला के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो संत की लीला तो संत ही जाने। महाराज जी, हम काफ़ी सारे हिंदूवादी संगठन बोल रहे हैं कि आसाराम जी बापू ने बोले 50 सालों में जो समाज उत्थान के कार्य किए और आदिवासी क्षेत्र में उन्होंने जो धर्मांतरण रोकने का काम किया, जो हिंदू थे वो ईसाई बन गए थे, उनको फिर वापस हिंदू धर्म में लाया, बोले इस वजह से फंसाया गया आसाराम जी बापू को, क्या कहोगे? देखिए, ये तो एक चीज़ तय हो गई है कि कोई न कोई तो ऐसी ताकत है जो इस संत से झलती है या तो ईर्ष्या करती है, और वो बदला लेने की भावना से ऐसा कार्य कर रहे हैं। अब ये क्या है, कौन है, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब त्रेता युग में राम जी थे तो रावण भी था, द्वापर युग में कृष्ण थे तो कंस भी था, और आज कलयुग आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये भी तो देखना चाहिए कि रावण हारा था, राम जीते थे, कंस भी हारा था, कृष्ण जीते थे, ठीक वैसे ही कृष्ण ऐसे ही नहीं जीते थे और राम भी ऐसे ही नहीं जीते थे, उन्हें भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। अयोध्या की राजगद्दी मिलती है तो एक पक्ष ये भी होता है राम के वनवास का कि लोग कहते हैं कि देखो दशरथ ऐसे कि कई माँ ऐसी और उसने जो है राम को वनवास दे दिया, लेकिन मैं जब सोचता हूँ तो मैं मेरे लहजे में और मेरे विचार से ये कहता हूँ कि वो न केकई की गलती थी
न दशरथ जी का कोई गलती थी, न मंथरा की गलती थी, वो भी एक पहलू है, लेकिन मैं उस पक्ष में नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम के वो 14 साल वनवास के अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने की तैयारी थी, और उन्होंने दुनिया को ये बताया था कि मैं राजगद्दी पर बैठना चाहता हूँ, उससे पहले वन में जाकर के देखूँ तो सही कि जो मेरी प्रजा है वो कैसी है और उसके लिए मुझे क्या करना है। तो इसके लिए उन्होंने जमीनी तौर पर उतर करके और उन्होंने ये सब अनुभव करने के लिए किया, और उसके पीछे रावण को खत्म करने का भी उनका एक प्लान था, और वो उन्होंने उस प्रोसेसर में करके रावण जैसी उस सत्ता को भी उन्होंने खत्म किया। ठीक वैसे ही परिणाम अंत में यही आएगा कि रावण मरेगा, राम जीतेंगे, कंस मरेगा, कृष्ण जीतेंगे, अमर रहेंगे। कलयुग के अंदर भी ये संत शक्ति है, यही जीतेगी, और आसुरी शक्ति का एक दिन एक नाश जरूर होगा। क्या कहोगे, 82 साल के एक हिंदू संत ऐसा काम कर सकते हैं क्या? ये तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, घर परिवार वाले लोग हैं उनसे पूछ लीजिए कि भाई तेरे घर के अंदर भी 70-75 साल का कोई व्यक्ति बूढ़ा दादा रहता है, तो क्या उस दादा से तुम ये उम्मीद करोगे, क्या वो इस प्रकार का काम कर सकते हैं, ऐसा कोई कृत्य कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से जवाब हमेशा नाम ही आएगा कि ऐसा संभव ही नहीं है, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और फिर आसाराम बापू तो संत हैं, और एक ऐसा संत है जिसने ऐसे जवान लोगों को, बूढ़ों की तो बात छोड़िए, लेकिन उस जवान पीढ़ी को, जो जवान पीढ़ी गलत राह पर अगर चली जावे, वो स्वाभाविक रूप से ये एक समय ऐसा होता है कि ऐसी उम्र होती है कि अगर उसको मार्गदर्शन ना मिले तो वो गलत राह पर जा सकती है। लेकिन मैंने देखा है ऐसे कई जवानों को जो बापू के सत्संग सुन करके, उनकी वाणी को सुन करके, उनकी किताबों को पढ़ करके अपने जीवन को निखार रहे हैं। तो ऐसे संत से तो ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती, ये सोचना भी गलत होगा, इसलिए ये बात तो बिल्कुल गले नहीं उतरती है। महाराज जी, उनके भक्तों को क्या कहें, क्या संदेश देना चाहो? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, परीक्षा की घड़ियाँ सबके जीवन में आती हैं। कृष्ण भगवान थे, लेकिन जीवन में परीक्षाएं तो उनके भी आई। हम सूर्य को मानने वाले लोग हैं, लेकिन सूर्य भी भगवान है, हमारे यहाँ तो देवता मानते हैं, हम सूर्य देव उसको अर्घ देते हैं, परंतु दिन में उसकी भी परिस्थितियाँ 3 तरह से अलग अलग बदलती है। तो वैसे ही व्यक्ति के जीवन में भी परिस्थितियाँ बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन साधकों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि आपने जो कुछ जिससे पाया है उसके प्रति आपका जो भाव है और उसका जो आपके प्रति आपके ऊपर उपकार है उसे कभी मत भूलिएगा, और हम उसके लिए उसके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते हैं। इसलिए आसाराम बापू से भी आपको जो लाभ मिला है उसके लिए हमेशा हम आसाराम बापू के ऋणी रहेंगे, और उन साधकों से भी निवेदन है कि आपकी श्रद्धा हमेशा वैसे ही बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अंत में श्रद्धा काम आती है, भगवान तक हमें श्रद्धा पहुंचाती है। आसाराम बापू को भी आप सुनेंगे तो वो भी ये कहेंगे कि मैं नहीं करता, रास्ता बताया, रास्ते पर चलने से तुम मंजिल पाओगे, तो रास्ता बताने वाला तो बता चुका, हमेशा गाइड हमारे साथ होता भी नहीं है। एक बात सोचो ना कि जिसको गुरु बनाया है, और मान लीजिए शिष्य से पहले गुरु इस दुनिया से चला गया है, तो तुम ये कहोगे कि गुरु बदलना पड़ेगा, वो तो अब चले गए। ऐसा नहीं होता है, वो चले गए तो क्या हुआ, उनका दिया हुआ मार्गदर्शन तो हमारे पास में है, हमें वो लीक कभी नहीं छोड़नी चाहिए, तो मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी। क्या गलत है क्या सही है ये दुनिया की अदालत फैसला नहीं करती है, कि हमारे अंदर भी एक अदालत बैठी है, आत्मा बैठी है। वो आपकी आत्मा अगर कह दे कि मुझे छोड़ देना चाहिए तो एक आपकी अलग बात है, लेकिन अंदर कभी सोचना आंखें बंद करके कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है, मुझे जो रास्ता मिला है, जो दिशा मिली है वो सही है, उससे मैंने मेरे जीवन को निखारा है, तो जिस दिन आपकी आत्मा साथ दे रही है तब तक सोचना कि मुझे ये साधना और ये साधक जो रास्ता है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और निश्चित रूप से आपकी उस साधना का, आपके उस भजन का भी एक अच्छा ही प्रभाव आने वाले समय में आने वाला है।